आज की वीडियो में आपको नेहा मर्दा के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेहा मर्दा बहुत जल्दी पेरेंट बनने वाली हैं। नेहा मर्दा अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट फेज में हैं और वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी दिखाई देती हैं। नेहा मर्दा सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ अपने हैप्पी और क्यूट प्रेगनेंसी मोमेंट्स भी शेयर करती रहती हैं। लेकिन रिसेंटली प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस के कारण उन्हें हॉस्पिटल रश करना पड़ा। जी हाँ, रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि नेहा मर्दा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि नेक्स्ट 2 डेज उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। नेहा मर्दा की बात करें तो नेहा मर्दा प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ गुजर रही थी और वो अपनी प्रेगनेंसी के बिल्कुल लास्ट ट्राइमेस्टर में है और बहुत जल्दी बेबी को डिलीवर करने वाली हैं। लेकिन नेहा मर्दा की प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं जिसके कारण वो हॉस्पिटल एडमिट हो चुकी हैं और हम आशा करते हैं वो बहुत जल्दी हेल्दी एंड सेफ बेबी को डिलीवर कर पाएंगी। आपको बताते चलें कि नेहा मर्दा अपने बेबी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो उसके बारे में काफ़ी कुछ शेयर कर चुकी हैं। उनका कहना है कि उनके यहाँ ट्रेडिशन है कि जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक उसके लिए शॉपिंग नहीं की जाती है। उनका कहना है जैसे ही बेबी डिलीवर होगा तभी वो उसके लिए शॉपिंग कर पाएंगी। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने बेबी के लिए रूम तो बना लिया है लेकिन बेबी के रूम में कुछ भी नहीं है। उन्होंने सब कुछ सेलेक्ट कर रखा है, बेबी का कॉट, बेबी का बेड, बेबी के कपड़े, सब कुछ कार्ट में है, लेकिन जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता तब तक वो कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकती और जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तभी वो सही से सेलिब्रेट कर पाएंगी, तभी वो अपनी बेबी के लिए शॉपिंग कर पाएंगी। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन बताया और बताया कि उनके हाँ ऐसा ट्रेडिशन है कि बेबी 2 मंथ कोई भी न्यू ड्रेस नहीं पहनेगा बल्कि बेबी वो कपड़े पहनेगा जो उनके उनके हस्बैंड के और उनके कजन्स के बचपन के कपड़े हैं और वो कपड़े वो 2 महीने पहनेगा और 2 महीने के बाद ही वो न्यू ड्रेस पहन रखेगा और वो न्यू ड्रेस वो बेबी के आने के बाद ही शॉपिंग कर पाएंगे। हम आशा करते हैं कि नेहा मर्दा की सभी आई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाएं और वो क्यूट हेल्दी एंड सेफ बेबी को जन्म दे पाएं। आप भी नेहा मर्दा को अपनी प्रेयर्स में ज़रूर याद रखिएगा और हमें कॉमेंट्स करना ना भूलिएगा।